हेलो दोस्तों, आज हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 पर। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो भारत में जैन धर्म का संस्थापक है महावीर। महावीर थे जो जैन अभिलेखों के अनुसार वो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। तो इसका सही आंसर हुआ सेकेंड, यानी कि महावीर। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो जो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है वो है बुद्ध, धम्म और संघ, यानी कि फर्स्ट। इसका आंसर हुआ फर्स्ट। इसमें जो त्रिरत्न एक पारंपरिक बौद्ध शब्द है, तो जो त्रिरत्न है उसका अर्थ होता है तीन ज्वेल्स, यानी कि बुद्ध, प्रबुद्धता का आदर्श, और जो धम है पथ और प्राप्ति के प्रांत प्राप्ति योग्य, और संघ उन लोगों का समुदाय जो पथ का पीछा करते हुए और विशेषकर उनको दर्शाता है जिन्हें प्रभुत्ता का अनुभव होता है। तो इसका सही आंसर हुआ बुद्ध, धम और संघ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो वो कौन सा राज्य है जिसमें युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया गया? तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 53 का, यानी कि सेकंड, मगध। प्राचीन काल में भारत में जब युद्धों में हाथियों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन जो मगध के शासक थे वो सर्वप्रथम विनाश करने के लिए हथियार के रूप में हाथियों का प्रयोग करते थे। तो जो प्राचीन काल में युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया जाता, सबसे पहले किया था मगध में। तो इसका सही आंसर हुआ मगध। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 पर। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। तो इसका जातियों का राज्य संघ था सेकंड, वजी। तो 54 का सही आंसर है वजी। वजी या इसे वृजी भी बोलते हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक संघ था। तो जो वजी है वो 16 महाजनपद थे, उनमें से एक है। तो वजी जनपद में गणतंत्रात्मक शासन था। तो इसका सही आंसर हुआ वजी। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अंग। इसका सही आंसर है अंग। जो जैन धर्म की पवित्र पुस्तकों को सामूहिक रूप से अंग कहा जाता है, जो पवित्र पुस्तकें होती हैं जैन धर्म में, उन्हें अंग कहा जाता है। इसमें विभिन्न छोटे छोटे मुद्दों पर 50 पृथक कृतियों को समाविष्ट किया गया है। तो इसका सही आंसर हुआ अंग। जो पवित्र पुस्तकें हैं जैनियों की, उन्हें अंग बोलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? तो वो कौन सी मुद्रा थी जिसमें अपना पहला उपदेश दिया था? तो 56 का सही आंसर हुआ थर्ड, धर्म चक्र मुद्रा। तो जो संस्कृत में धर्म चक्र से तात्पर्य धर्म का चक्र से है, यह शब्द भगवान बुद्ध के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है, जब उन्होंने अपना सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। तो वो मुद्रा थी धर्म चक्र मुद्रा। इसका सही आंसर हुआ धर्म चक्र मुद्रा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। तो 57 है, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो जो कैवल्य है वो है, इसका सही आंसर है जैन धर्म से। तो कैवल्य जैन धर्म से संबंधित है। कैवल्य मोक्ष प्राप्ति से संबंधित
जैन धर्म की एक महत्वपूर्ण अवधारणा होती है। जैन धर्म के अनुसार सभी विद्यमान वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है, एक जीव और दूसरी अजीव, यानी कि सजीव प्राणियों की निर्जीव प्राणियों के साथ की बाधा सभी दुखों का कारण है। कैवल्य सजीव प्राणियों के इन बाधाओं से मुक्त होने का मार्ग है। तो इसमें जो कैवल्य है वो है जैन धर्म से संबंधित। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है अंगुत्तर निकाय। इसका सही आंसर है अंगुत्तर निकाय। जो उत्तर वैदिक काल में पूरा जो उत्तरी क्षेत्र में ज्यादातर विंध्य के उत्तर स्थित और जो उत्तर पश्चिम की सीमा है बिहार तक जो फैली हुई है, उसमें 16 महाजनपदों को 16 राज्य में विभाजित किया गया था। तो वो 16 राज्य थे गांधार, कंबोज, असाका, वत्स, अवंती, सूरसेन, चेदी, मल, कुरु, पंचाल, मत्स्य और वजी, काशी, अंग, कौशल और मगध। तो ये थे 16 महाजनपद। तो इसका सही आंसर हुआ अंगुत्तर निकाय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो तक्षशिला थी राजधानी गांधार की। इसका सही आंसर हुआ गांधार। गांधार की स्थिति लगभग आधुनिक कश्मीर से लेकर काबुल घाटी तक फैली हुई है। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था जहां दुनिया भर से विभिन्न विभिन्न देशों से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। चाणक्य, जीवक, वसुबंधु आदि ने इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। तो इसका सही आंसर हुआ गांधार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है मृत्यु। यह है मृत्यु से संबंधित। स्तूप जो है एक अर्ध गोलाकार संरचना है जहां बौद्ध अवशेषों को रखा गया है और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा इनका उपयोग ध्यान लगाने के लिए किया जाता है। बौद्ध धर्म में सबसे पहले के स्तूपों में बुद्ध की राख के हिस्से रखे गए थे। जो सबसे पहले के स्तूप थे उसमें बुद्ध की जो थी राख, उन्हें रखा गया था, जिसके कारण स्तूप बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। इसीलिए गौतम जो स्तूप शब्द है वो मृत्यु से संबंधित है। इसका सही आंसर हुआ मृत्यु। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। 61 है, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासन काल के दौरान विभाजित हुआ था? तो जो वो विभाजित हुआ था वो था उस टाइम किसका शासन काल था, ये कनिष्क। तो 61 का आंसर हुआ कनिष्क। इस संगति में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। हीनयान जो थे वो बौद्ध धर्म संस्थान का प्राचीन संप्रदाय था जिसकी स्थापना स्वयं बुद्ध के द्वारा की गई थी, और जो उनका नया संप्रदाय हुआ था उसे महायान कहा गया, वो भी बौद्ध धर्म के रूप में जाना जाने लगा। तो इसका सही आंसर हुआ कनिष्क। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 62 पर।
62 है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कणाद, इसका सही आंसर है कणाद। हिंदू दर्शन के अनुसार वैशेषिक 6 दर्शनों में से एक है। हिंदू दर्शन के अन्य 5 दर्शन योग्य, सांख्य, न्याय, मीमांसा और वेदांत हैं। तो वैशेषिक दर्शन महर्षि जो कणाद थे उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो इसका इसलिए सही आंसर हुआ कणाद। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 63 पर। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो वो कौन सी भाषा थी? पाली भाषा में लिखे गए थे जो अधिकांश ग्रंथ थे, इसका सही आंसर हुआ पाली। अधिकांश बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। पाली संस्कृत से काफी निकटता से संबंधित है, लेकिन इनका व्याकरण और संरचना सरल है। जो पाली भाषा है उसकी व्याकरण और जो संरचना है वो काफी सरल है, तो इसलिए जो अधिकांश ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं बौद्ध के, इसका सही आंसर है पाली। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 64 पर। 64 है, किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? तो एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। जो गौतम बुद्ध है उन्हें एशिया का प्रकाश स्तंभ और एक प्रबुद्ध व्यक्ति माना जाता है। जो एशिया का प्रकाश स्तंभ की जो उपाधि दी गई थी गौतम बुद्ध को, वो एक महान इतिहासकार थे एडवर्ड एनरॉल्ड, उनके द्वारा दी गई थी, तो इसलिए उन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 65 पर। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम, इसका सही आंसर है कुंडग्राम। तो भगवान महावीर का जन्म हुआ था 599 ईस्वी पूर्व में बिहार के वैशाली जिले के कुंडग्राम में हुआ था, और ये जैन धर्म के जो थे 24वें तीर्थकर थे महावीर जी, तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। अब नंबर 66 पर, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? तो जो बौद्ध साहित्य था वो किस भाषा में लिखा गया था? तो ये भाषा थी पाली भाषा में, पाली भाषा में लिखा गया था। जो पाली शब्द है उसे मुख्य रूप से पाठ या पवित्र ग्रंथों को दर्शाता है, जो पाली का मुख्य रूप है, तो इसका 66 का आंसर हुआ पाली। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 67 पर। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संभव नहीं है? तो गौतम बुद्ध से संभव कौन सा नहीं है? पावापुरी, तो इसका सही आंसर हुआ पावापुरी। पावापुरी का संबंध है महावीर जी से, तो इसका गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है। 67 का आंसर हुआ पावापुरी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 68 पर। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो इसका सबसे आधारभूत सिद्धांत माना जाता है अहिंसा। जैन धर्म के जो 5 सिद्धांत हैं उसमें से एक है अहिंसा, जो सबसे मौलिक माना गया है। भगवान महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म। जैन धर्म ने पंचशील सिद्धांत बताए हैं, वो कौन कौन से सिद्धांत हैं?
अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। तो जो ये पांच हैं इनमें से अहिंसा को सबसे मौलिक माना गया है, तो इसलिए 68 का आंसर हुआ अहिंसा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। बुद्ध का जन्म में हुआ था, तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। इसका सही आंसर है लुम्बिनी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 है, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो इनका संबंध है न्याय। महर्षि जो अक्षपाद गौतम न्याय दर्शन से संबंधित है, उन्होंने न्याय सूत्र की रचना की जिसे हिंदू दर्शन के न्याय दर्शन का मूलभूत पाठ माना जाता है। तो महर्षि जो गौतम का संबंध है न्याय से, तो 70 का आंसर हुआ न्याय। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 71 पर। सातवीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा? तो कन्नौज और थानेश्वर के सिंहासन पर कौन बैठा था? इसका सही आंसर है हर्षवर्धन। तो सातवीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ हर्षवर्धन जो थे, उन्होंने अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज की गद्दी पर चढ़ाई की थी। तो उन्होंने लगभग 606 से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन किया था अपने भाई की मृत्यु के बाद। तो इसका सही आंसर हुआ हर्षवर्धन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आगम सूत्र। इसका सही आंसर होगा आगम सूत्र। भगवान महावीर के उपदेश को उनके शिष्यों द्वारा मौखिक रूप से कई ग्रंथों में संकलित किया गया था। इन शास्त्रों को जैन आगम या आगम सूत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 72 का आंसर हुआ आगम सूत्र। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 73 पर। का युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर द्वारा राजा पौरस के विरुद्ध लड़ा गया था, तो वो था हर्डिस। इसका सही आंसर हुआ फर्स्ट। हर्डिस्पस की लड़ाई 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पंजाब में झेलम नदी के जो तट पर पौरव साम्राज्य के राजा थे पौरस के खिलाफ लड़ी थी। इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप मैसेडोनियन की जीत और पंजाब की हार हो गई थी। तो इसमें इसका सही आंसर हुआ 73 का फर्स्ट। तो ये थे हमारे अब तक के जैन धर्म और बौद्ध धर्म के इम्पॉर्टेंट MCQs। हम अपनी अगली नई वीडियो में ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs लेकर आएंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।